C++ by Zahid Iqbal, second tutorial. इस tutorial में हम देखेंगे C++ comments के बारे में कि comments क्या होते हैं, उन्हें हम क्यों use करते हैं, उनका फायदा क्या है. इस material में जो हम PDF material use करेंगे, उस file का downloading link आपको मैं description में दे दूंगा, तो वहाँ से आप download कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले कुछ basic चीजों पे गौर करते हैं. तो इस वक्त स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मैंने एक वर्ड में फाइल ओपन की है जिसमें कुछ मटेरियल लिखा हुआ है. ये आपका पहला पैराग्राफ है, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, ये आपका थर्ड पैराग्राफ है और ये आपका फोर्थ पैराग्राफ है. पहले ही लुक में हमें पता नहीं चलेगा कि किस पैराग्राफ में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो इसके लिए करना ये होगा कि हमें पूरा कोड रीड आउट करना पड़ेगा. फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप रीड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पैराग्राफ कुछ बीमारी के बारे में बता रहा है, डिजीज़ के बारे में बता रहा है, उसकी अलामत के बारे में बता रहा है. सेकंड पैराग्राफ अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें कुछ मेडिसन्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें मेडिकेशन से रिलेट कुछ बताया जा रहा है. थर्ड पैराग्राफ को अगर हम गौर से पढ़ें तो उसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस नज़र आएंगी, कुछ एहतियात नज़र आएंगी. और इसी तरह से फोर्थ पैराग्राफ पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स बताए जा रहे हैं, यानी कि फीवर का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है. तो कितना अच्छा हो ना कि अगर इसके ऊपर कोई टैग लगाया जाए, कोई हेडिंग दी जाए जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि उस हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ है वो फलां चीज़ को शो कर रहा है. इसी तरह से सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर अगर कोई हेडिंग आ जाए तो हमें हेडिंग पढ़ते ही आइडिया हो जाए कि उस हेडिंग के बाद जो डाटा है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, ताकि हमें सारा कोड रीड ना करना पड़े. तो कहने का मतलब, अगर ये फाइल कुछ इस तरह से होती, ऐसे कि पहला पैराग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है सिम्टम्स ऑफ फीवर, तो जैसे ही आप सिम्टम्स ऑफ फीवर को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके माइंडसेट में ये चीज़ बैठ जाएगी कि सिम्टम्स ऑफ फीवर के बाद जो डाटा है वो उसकी अलामत को बता रहा है. इसी तरह से सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर देखें तो मैंने हेडिंग दी है फीवर मेडिकेशन की, तो इस हेडिंग को रीड आउट करके हमें आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में जो चीज़ आएगी उसमें हमें मेडिसिन से रिलेट कुछ बताया जाएगा. इसी तरह से थर्ड पैराग्राफ की हेडिंग को देखें तो मैंने वहाँ पे हेडिंग दी है प्रिकॉशंस इन फीवर, कि बुखार में आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं. तो इसी तरह से ये हेडिंग पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में प्रिकॉशंस बताई गई हैं. इसी तरह से लास्ट पैराग्राफ को पूरे को रीड आउट किए बगैर अगर उसकी हेडिंग पढ़ ली जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ फीवर बताया जा रहा है. तो हमारा काम किस चीज़ ने आसान कर दिया? हमारा काम इन हेडिंग्स ने आसान कर दिया. हेडिंग ने हमें बता दिया कि इसके बाद जो चीज़ आएगी वो फलां चीज़ से रिलेटेड है. तो इसी तरह से C++ में जब हम कोडिंग यूज़ करते हैं तो उसमें सारे कोड को रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उन कोडिंग से पहले हम कुछ हेडिंग्स दे लेते हैं, उन हेडिंग से हमें आइडिया हो जाता है कि उन हेडिंग के बाद जो कोड आएगा वो किस चीज़ को शो कर रहा है. उन हेडिंग्स को एक्चुअली हम कमेंट्स कहते हैं, यही आपके कमेंट्स होते हैं. तो इसका मतलब ये, कमेंट्स का भी इसी मतलब ये होता है कि वो पहले ही लुक में पता चल जाए यूज़र को कि फलां कोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी उसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का मटेरियल नज़र आएगा. तो ये है वो फाइल C++ कमेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि C++ सपोर्ट्स टू वेज टू इंसर्ट कमेंट्स. C++ में हम दो तरह के कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट्स. जैसा कि सिंगल लाइन कमेंट देखें, जैसा कि लफ्ज से शो हो रहा है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन कमेंट्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमने हेडिंग देनी हो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, और मल्टी लाइन कमेंट्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी हेडिंग एक लाइन से ज़्यादा हो जाए, एक लाइन से बढ़ जाए, तब हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे. तो चलिए इसको हम डेव C++ में प्रैक्टिकली देखते हैं. तो ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया. यहाँ से आप चाहें तो न्यू फाइल बना सकते हैं, न्यू फाइल, सोर्स फाइल, इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं. लेकिन पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने कोड यूज़ किया था मैं वही फाइल ओपन करूँगा. तो फाइल ओपन करने के लिए हम जाएंगे फाइल ओपन, और जैसा कि हमने फर्स्ट के नेम से एक फ़ाइल बनाई थी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. तो ये थी वो फाइल जो हमने पिछले ट्यूटोरियल नंबर 1 में यूज़ की थी. इसी में हम कमेंट्स को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम अपने कमेंट्स यूज़ करेंगे, और कमेंट्स यूज़ करने का मेथड ये है कि जहाँ से आपने कमेंट लिखनी हो वहाँ पे आप लिखेंगे डबल स्लैशेस,
उसके बाद आप अपनी हेडिंग देंगे, आप अपना कैप्शन देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट कमेंट, इसको हम करते हैं सेव और इसको अब हम करते हैं कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं कि सी आउट के बाद डबल कोटेशन के अंदर जो हमने डेटा लिखा था दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, वही आपको यहाँ पे आउटपुट के तौर पे नज़र आएगा। और जो हमने लिखा था दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट, यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट, तो ये प्रोग्राम में कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ हेडिंग थी, कैप्शन था, ताकि हमें पता चल सके कि ये फलां कोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें कि सी आउट का एक्चुअली काम ये होता है कि ये इन डबल कोटेशन के अंदर लिखे गए डेटा को प्रिंट आउट करवाएगा। तो यहाँ पे हम अब की बार हम कमेंट यूज़ करेंगे दिस विल शो, ये शो करेगा, क्या शो करेगा, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसको हम करते हैं सेव और इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड डबल स्लैशेस के बाद हमने लिखा था दिस विल शो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि कंपाइलर में यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये हमने इसलिए लिखा ताकि हमें आइडिया हो सके कि एक्चुअली क्या चीज़ है। तो आप सिंगल लाइन कमेंट को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया कट, फिर मैंने इसको रिटर्न से पहले कर दिया पेस्ट और इसको हम करते हैं सेव, कंपाइल एंड रन। तो अभी भी आपकी आउटपुट वही रहेगी दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट प्रोग्राम कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ प्रोग्राम में प्रोग्रामर के लिए होता है ताकि वो निशानदही कर ले, निशान लगा ले कि फलां कोड किस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे रिटर्न जीरो शो करता है कि आपका फंक्शन सही से एग्जीक्यूट हुआ है, तो अगर किसी और बंदे को बताना हो रिटर्न जीरो का मतलब क्या है तो आप वो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे रिटर्न जीरो क्या शो करता है, दिस शोज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एक्यूरेटली, मतलब सही से। तो जैसे ही कोई न्यू बंदा आके इस लाइन को पढ़ेगा दिस शोज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एक्यूरेटली, उसके बाद जो रिटर्न जीरो है वो फौरन मतलब समझ जाएगा कि रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि रिटर्न जीरो शो करता है कि प्रोग्राम आपका सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी तरह से अगर आपने किसी और बंदे को बताना हो कि इंट मेन का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको कर दिया बैक स्पेस। हमने किसी और बंदे को बताना है कि इंट मेन का मतलब क्या है, इंट मेन का मतलब ये है कि यहाँ से आपका मेन फंक्शन शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पे कमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। सेव, कंपाइल एंड रन। तो आप देखेंगे कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन में ये जो हम जितना भी डाटा लिखते हैं आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, ये कहीं पे भी कंपाइल नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक निशानी लगानी होती है कि फलां चीज़ किस चीज़ को शो करती है। C++ मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक एंड एंड्स विद स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। तो जो भी आपका टेक्स्ट इस स्लैश यानी इन के दरमियान होगा, जो भी आपका टेक्स्ट इसके दरमियान होगा वो आपका मल्टी लाइन कमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा और कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया डेव C++ जो हमने जहां से हमने इसे छोड़ा था सिंगल लाइन कमेंट के बाद। तो मल्टी लाइन कमेंट शो करने के लिए उसे हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन से ज़्यादा कमेंट लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया This is also a comment. मैंने इंटर करके उसको नीचे लिख दिया। मल्टी लाइन कॉमेंट, उसके बाद अब हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने का सिंटैक्स ही होगा स्टेरिक उसके बाद स्लैश। तो जैसे ही आप ये कोड कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा कोड सही से लिखा गया है। अब हम करेंगे इसे सेव, कंपाइल एंड रन। तो आप देखेंगे कि सी आउट के बाद जो स्टेटमेंट थी दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, वही आपकी एग्जीक्यूट हुई।
और जो कमेंट हमने स्टेरिक स्लैश और स्लैश स्टेरिक के दरमियान लिखा था वो आपका एज अ कमेंट ही लिखा जा रहा है। तो सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट में मेजर डिफरेंस यही है कि जब आपने छोटी सी कैप्शन देनी हो तो फिर आप यूज़ करेंगे सिंगल लाइन कमेंट, और जब आपने बड़ी सी कैप्शन, बड़ी सी हेडिंग देनी हो, बड़ी सी निशानी लगानी हो, तो उसमें आप यूज़ करेंगे मल्टी लाइन कमेंट। फिर यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करें या मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करें, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसे यूज़ करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी टिप है कि अगर आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कैप्शन हेडिंग छोटी है, तो फिर आप सिंगल लाइन को यूज़ करें, यानी कि फॉरवर्ड डबल स्लैशेस को। और अगर आपका कमेंट ज़्यादा बड़ा हो, कैप्शन आपने बड़ी सी देनी हो, कुछ ज़्यादा डिटेल में देनी हो, तो फिर आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप सिंगल लाइन कमेंट या डबल लाइन कमेंट को क्लोज नहीं करते, बंद नहीं करते, जैसे देखें यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट तो कर दिया, अगर हम इसकी क्लोजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसे सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मल्टी लाइन कमेंट शुरू तो कर लिया लेकिन आपने उसे कहीं पे ख़त्म नहीं किया। तो इसलिए सिंगल लाइन कमेंट हो या डबल लाइन कमेंट हो, उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कोड हमने यूज़ किया, जो कमेंट्स हमने यूज़ किए, हमारा कोड तो बहुत ही छोटा था, तो इसलिए शायद आपको आइडिया हो कि कमेंट्स कुछ खास अहमियत के हामिल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं सम डॉट पी पी पी, जिसमें वो दो नंबर्स को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवाएगा। इसी तरह से एक और प्रोग्राम बनाया था माई फर्स्ट स्ट्रिंग के नेम से, और ये कुछ प्रोग्राम है जो थोड़ा सा फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हमारी सीरीज़ को कम्प्लीटली देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर आपने किसी बंदे को बताना हो, जैसे देखें ये मैंने लिखा सी आई एन, सी इनपुट, उसके बाद हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर और ए। अगर आपने किसी और बंदे को बताना हो कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो इस स्टेटमेंट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि हम यूज़र से डेटा लेंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया ना, तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपने किसी और पर्सन को बताना हो तो आप यहाँ पे इसका इसका मतलब कोई हेडिंग देंगे, कोई कैप्शन देंगे, ताकि उस बंदे को पता चल जाए, और वो हेडिंग या कैप्शन क्या होगी, वो आपके कमेंट्स होंगे। तो सी आई एन ग्रेटर देन ए, ये चीज़ आपकी शो करवाती है कि आप यूज़र से डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कोड टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो जैसे ही हम ये चीज़ लिखेंगे तो किसी भी थर्ड पर्सन को पता चल सकता है कि ये वाला जो कोड है ये एक्चुअली यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से कुछ थोड़ा सा कम्प्लेक्स कोड देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा इफ़ बी एग्जैक्ट इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र का दिया हुआ दूसरा इनपुट वन के इक्वल है। अब किसी और बंदे को बताना हो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो इसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस कोड shows the second input। तो इसी तरह से कमेंट्स को हम कोड के किसी भी हिस्से में लिख सकते हैं ताकि किसी थर्ड पर्सन को पता चल सके कि उस कमेंट के बाद जो लाइन है उसका मतलब क्या बनता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे C++ वेरिएबल्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।